नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर के सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का गैस पेपर, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका ये रहेगा। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी गैस पेपर में मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा 15 से लेकर 20, ठीक है, वही आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। गैस पेपर की वीडियो में आपको 2023 के ही गैस पेपर देखने हैं, ठीक है, 2022 के नहीं देखने हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल साइंस का, सोशल साइंस का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर नहीं देखा है तो वो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। जब मैंने आपके 2022 में आपके गैस पेपर कराए थे, ठीक है, तो बच्चे आगे मुझे बताते थे कि सर आपका बताया हुआ गैस पेपर आया है आज, ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। लेकिन जब मैं आज 2023 के लिए आपका गैस पेपर बना रहा था और जब मैंने अपने 2022 वाले गैस पेपर से आपके 2022 वाला यूनिवर्सिटी का पेपर मैच किया, तो एक एक क्वेश्चन फिजिकल साइंस का मुझे अपने गैस पेपर में देखने को मिला, ठीक है। तो मैं आज आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन मेरे भी गैस पेपर में से आया था, वो भी प्रूफ दिखाऊंगा, और 2023 का गैस पेपर भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको अभी तक क्या क्या करा दिया है वो भी मैं आपको एकदम से बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए क्या क्या कंप्लीट हो चुका है और क्या क्या रह रहा है, ठीक है। यूनिट वाइज जो आपके कंपलसरी पेपर हैं, ठीक है, जो आपके कंपलसरी पेपर हैं ये तीन, नॉलेज एंड कैरिकुलम, ठीक है, ये हमारा यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हो। असेसमेंट फॉर लर्निंग का सब कुछ कंटेंट तैयार है, बस क्या है कि वीडियो बनानी है, ठीक है, इसका भी यूनिट वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट कराऊंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद बचता है इंक्लूसिव स्कूल का, इंक्लूसिव स्कूल को भी मैं अभी कुछ नहीं बना है, इसको इंक्लूसिव स्कूल का कंटेंट भी बनाना है, प्लस उसकी वीडियो भी बनानी है, ठीक है, इसका तो कंटेंट तैयार है, बस इसकी वीडियो बनानी है, ठीक है, और ये वाला पेपर हो चुका है। पैडागोजी के कैसे रहेंगे, पैडागोजी के मैं आपके सोशल साइंस का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, गैस पेपर पैडागोजी के हम गैस पेपर करेंगे, ठीक है, यूनिट वाइज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि गैस पेपर में से आपका पूरा पेपर आ जाता है, ठीक है। सोशल साइंस करा चुका हूं और आज हम करेंगे फिजिकल साइंस, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिकल साइंस के अंदर रहता है वो आपका ये है कि माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को वांछनीय व्यवहार परिवर्तन के रूप में क्यों लिखा जाता है, विज्ञान शिक्षण के किन्हीं 5 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल, वाई ऑब्जेक्टिव आर फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइब्ड बिहेवियरल चेंज, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आपके सारे एक ही हैं जो मैं अभी एक साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि विज्ञान के विषय क्षेत्र में किस प्रकरण पर एक उद्देश्य को व्यवहारगत रूप में लिखिए, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियरल टर्म्स ऑफ ऑन एनी टॉपिक इन कंटेंट एरिया ऑफ अ साइंस, ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है, या आप यहाँ पर देख सकते हो कि उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की कौन सी विधियाँ हैं, पदार्थ विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, पदार्थ विज्ञान के किसी प्रकरण के 5 शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखे, विच आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, राइट अ 5 टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और आया क्या था 2022 में, ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो 2022 में क्वेश्चन आए हैं उसके सामने मैंने ये ब्लू मार्क लगा दिया है ताकि मुझे भी याद रहे, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन 2022 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल इसी के जैसा है, थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट करके आया है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन तैयार करके गए हो तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। क्या आया था कि उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ये आपका आया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, सीधी सी बात यह है, अगर आप ये चीज़ पढ़ के गए थे तो ये आराम से आप लिख सकते हो, हल्का सा ट्विस्ट करके आता है लेकिन क्वेश्चन सेम ही होता है, बस आपको पहचानने की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा, और ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही आंसर आपको इसमें लिखना है, ये इतने सारे क्वेश्चन नहीं समझने हैं जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका एक ही है, ठीक है, उद्देश्यों के बारे में पूछा है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, आपके अनुसार विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों, डिस्क्राइब द ब्रीफ वेरियस मेथड ऑफ साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल अकॉर्डिंग टू यू, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एंड व्हाई, ऐसे ही पूछ सकता है कि विज्ञान शिक्षण की कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों, ठीक है, व्हाट आर द मेथड ऑफ साइंस टीचिंग विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ
टीचिंग साइंस एंड वाई एक्सप्लेन। तो एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल आता है और आपके में भी आएगा। क्या आएगा? एक लेसन प्लान के बारे में, ठीक है। लेसन प्लान आपका तैयार करवाता है, ठीक है। कभी कभी तो बता देता है कि इस कक्षा का तैयार करना है, कभी कभी बता है ना, और कभी कभी बता देता है कि कोई सा भी लेसन प्लान तैयार करो किसी भी कक्षा का, ठीक है। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे पिछले साल, ये वाला और ये वाला। आया क्या था? ये वाला क्वेश्चन आपका आया 2022 के अंदर, ठीक है। देखो, विज्ञान विषय क्षेत्र में कक्षा 7 के शिक्षण हेतु एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। प्रिपेयर अ लेसन प्लान इन द कंटेंट एरिया ऑफ अ साइंस फॉर टीचिंग ऑफ क्लास 7th, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको? बताया था कि विज्ञान विषय क्षेत्र में कक्षा 8 के शिक्षण हेतु एक पाठ योजना बनानी है, यानी कि कक्षा 8 का आपको लेसन प्लान तैयार करना है। पेपर में क्या आया? पेपर में आया कि पाठ योजना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के गए हैं तो सीधी सी बात है, ये आप इजीली कर दोगे। पाठ योजना का क्या अर्थ है? भौतिक विज्ञान के किसी भी प्रकरण पर पाठ योजना बनाइए। इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा कि किसी भी उस पर बनाओ, किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। तो आप तैयार करके गए हो 7th क्लास का, वही बना दो, वो भी इसमें चल जाएगा। 8th क्लास का तैयार करके गए हो, वो भी इसमें चल जाएगा। व्हाट इज़ द मीन बाय द लेसन प्लान? प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ क्लास 6, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये बताया था, ये बताया था, और आया क्या था? ये आया, ठीक है। वैज्ञानिक शौक, यहाँ पे टिप्पणी करने को आया था, ठीक है। चलिए, वैज्ञानिक रुचियों ये युक्ति विद्यार्थियों को आप कैसे समझाएंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द साइंटिफिक इन्वेस्टेड स्टूडेंट? या फिर ऐसे भी आ सकता है कि वैज्ञानिक रुचियों से युक्त विद्यार्थियों को आप कैसे पहचानेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द साइंटिफिक इंटरेस्ट स्टूडेंट? या फिर ऐसे भी आ सकता है कि वैज्ञानिक शौक रुचियाँ क्या हैं, आप इन्हें कैसे विकसित करेंगे, ठीक है। आया क्या था 2022 के अंदर? 2022 के अंदर आपका ये पूछा गया कि किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आया था आपका वैज्ञानिक शौक। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करके गए थे तीनों में से कोई सा भी एक, है ना, एक ही आंसर आपका इसमें का बनता है, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख देते, ठीक है, और आप करके गए होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है भाई वैज्ञानिक शौक का, ठीक है, इसको कर लेना है। नया क्या आया था? नया आया है आपका बस PLA तकनीक। फिजिकल साइंस के अंदर बस 3 क्वेश्चन ऐसे थे पूरे पेपर के अंदर जो मेरे गैस पेपर से नहीं आए हैं, बाकी पूरा का पूरा पेपर मेरे गैस पेपर के अंदर से आया था, ठीक है। सिर्फ 3 नए क्वेश्चन आए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो PLA तकनीक है जो नया आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ये करके जाना है वैज्ञानिक रुचि वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ये मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये भी मैंने आपको बताया। कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन साहित्य के बारे में लिखिए, ठीक है। आया क्या था 2022 में? आपका यह पूछा गया, ठीक है, कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को संक्षिप्त में समझाइए, एक्सप्लेन द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन ब्रीफ, है ना। तो ये आपका आया था 2022 में, ये मैंने आपको बताया था, ये तैयार करके गए हो तो इसीलिए इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ सकता है आपके में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि विज्ञान शिक्षण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, है ना। हाईलाइट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड फॉर साइंस टीचिंग। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है, विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उचित उपयोग के बारे में लिखे। राइट अ प्रॉपर यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन साइंस टीचिंग। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन एवं प्रयोग में निहित बतानी है आपको ये चीज़ें। डिस्क्राइब द ब्रीफ इन द प्रिंसिपल इन द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड। तो ये क्वेश्चन आपका ऑडियो विजुअल वाला इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि विज्ञान शिक्षक के गुणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ साइंस टीचर। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि विज्ञान शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ साइंस टीचर। तो इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली अनौपचारिक सेमिनार उपागम का वर्णन कीजिए, इसके लाभ की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द नॉन फॉर्मल सेमिनार अप्रोच यूज इन साइंस टीचिंग। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि सेमिनार से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। व्हाट अबाउट द अंडरस्टैंड बाय द सेमिनार? डिस्क्राइब इट्स द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका यही है कि कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में अंतर बताइए उदाहरण सहित, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार इलस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, एक ही क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, माध्यमिक स्तर पर क्या क्या चीज़ें हैं, प्रयोगशाला हैं।
तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की प्रयोगशाला के विकास के लिए आवश्यक उपकरणों एवं केमिकल्स के बारे में लिखे, है ना। राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ आ एपरेटस एंड केमिकल फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंस लैब एट सेकेंडरी लेवल, या फिर ऐसा आ सकता है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान प्रयोगशाला का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस लेबोरेटरी एट सेकेंडरी लेवल, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि विज्ञान प्रयोगशाला में अनुदेशनात्मक सामग्री के बारे में बताना है, या फिर विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व बताना है, या फिर विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा के मानक आपको बताने हैं। यही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इम्पोर्टेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला की भूमिका की विवेचना कीजिए, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस लेबोरेटरी इन द टीचिंग ऑफ साइंस एट सेकेंडरी लेवल, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान प्रयोगशाला का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस लेबोरेटरी एट सेकेंडरी लेवल, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि विज्ञान प्रयोगशाला में किस प्रकार के अनुदेशनात्मक सामग्री की आवश्यकता होती है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन नीड इन साइंस लेबोरेटरी। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है, और आया क्या था 2022 में ये वाला, कक्षा कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री की महत्ता एवं उपयोगों की चर्चा कीजिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ टीचिंग एड इन क्लासरूम, है ना। तो टीचिंग एड के बारे में मैंने आपको बताया था और 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया, ठीक है। कैसा आया कि शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री की विवेचना कीजिए। अगर आप ये तैयार करके गए हैं तो आप इसको ईजिली आराम से लिख सकते हो, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, हल्का सा ट्विस्ट होके आता है, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके अंदर आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, हेरिस्टिक विधि, ठीक है, इसको लास्ट में करना है। हेरिस्टिक विधि क्या है, इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए, ठीक है। हेरिस्टिक मेथड डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, तो इसको लास्ट में करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन के पद लिखिए, राइट द स्टेप ऑफ लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, या फिर ऐसे भी आ सकता है अभिकर्मिक अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि विज्ञान में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक भाई करके जाना, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के बारे में करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है, हर साल आता है, ठीक है। चलिए, क्या है कि विज्ञान में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के क्या मानदंड हैं, जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं के लिए निर्धारित विज्ञान की पुस्तकें इन मानदंडों की पूर्ति कहाँ करती है, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, हाउ फार द बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर जूनियर हाई स्कूल क्लासेस मीट सच अ क्राइटेरिया, ठीक है। या फिर ऐसा आ सकता है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, या फिर और 2022 में आया क्या था, 2022 में आपका ये वाला क्वेश्चन आया कि भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। व्हाट फैक्टर शुड बी द कैप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक ऑन ऑफ फिजिकल साइंस डिस्कस, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करके गए थे तो ये आप इजीली लिख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि प्रयोगशाला विधि क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया और ये दो क्वेश्चन आपके 2022 के अंदर आए। प्रयोगशाला विधि क्या है, विज्ञान शिक्षण में इसके लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए, व्हाट इज द लेबोरेटरी मेथड, डिस्क्राइब इट्स द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ टीचिंग साइंस। आया क्या था कि भौतिक विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, साथ ही इसके गुण एवं दोष लिखिए, ठीक है। डिस्क्राइब द लेबोरेटरी मेथड ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, आल्सो राइट द मेरिट एंड डिमेरिट। नेक्स्ट क्या आया, हाई स्कूल कक्षाओं के लिए विज्ञान प्रयोगशाला की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, इस प्रयोगशाला को आप कैसे सुसज्जित करेंगे, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ अ साइंस लेबोरेटरी फॉर हाई स्कूल क्लासेस, हाउ विल यू एक्यूपाइड दिस लेबोरेटरी। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, व्याख्यान विधि इंपॉर्टेंट रहता है, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि के गुण एवं दोषों की चर्चा कीजिए, या फिर ऐसा आ सकता है कि विज्ञान अध्यापक व्याख्यान विधि को अधिक उपयोग एवं प्रभावशाली कैसे बना सकता है, हाउ अ साइंस टीचर कैन मेक अ लेक्चर मेथड मोर यूजफुल एंड इफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि परियोजना विधि की कार्यविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है परियोजना विधि का, ठीक है, इसको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह कि शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब अबाउट द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मेथड, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्रतिमान के आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब अबाउट द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ मॉडल।
इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था आईसीटी का, ये वाला 2022 में क्या आया, ये वाला, ठीक है। विज्ञान अधिगम में आईसीटी की भूमिका की विवेचना कीजिए, डिस्कस द रोल ऑफ आईसीटी इन लर्निंग साइंस। विज्ञान के अधिगम में आईसीटी का उपयोग है ना, एक ही बात है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ आईसीटी इन लर्निंग साइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि भारतीय विद्यालयों में पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान का मतलब होता है फिजिकल साइंस, भारतीय विद्यालयों में पदार्थ विज्ञान शिक्षण, ये आपका ये तीनों क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर आया, ये नया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर आया, ये नया क्वेश्चन था, और एक PLA जो मैंने आपको बताया PLA तकनीक, ये तीन क्वेश्चन बस आपके नए आए थे, बाकी पूरा पेपर इस गैस पेपर के अंदर से आया था, और 2023 में भी इस गैस पेपर के अंदर से ही आपका पेपर आएगा। थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है, 2022 के क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ठीक है। चलिए, विज्ञान मेला एवं भ्रमण का संगठन आप किस प्रकार करेंगे, ये आपको बताना है, करके जाना है, ठीक है। और ये भी करके जाना है कि अवधारणा मानचित्रण से आप क्या समझते हैं, अवधारणा मानचित्रण का भौतिक विज्ञान में अधिगम में क्या भूमिका है, ठीक है। What about the mean by concept the mapping? Describe the role of concept mapping in learning physical science. तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, तीनों इसको करके जाना है, ठीक है। तो यही थे आपके फिजिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ आपके विद्या की PDF हैं। अगर आप विद्या की PDF बाय करना चाहते हैं, क्योंकि विद्या की PDF में से ही आपके एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है, ये आपका अनसोल्ड है, इस अनसोल्ड में आपके 2017 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं जो भी अभी तक हुए हैं, ठीक है। इन अनसोल्ड के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इन विद्या की PDF के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास सारी ये PDF आपके पास मेरे पास है, ठीक है। फिजिकल साइंस की ये रही, मैथमेटिक्स की ये रही, ये आपके कंपलसरी वाली हैं। ये सारी PDF जो है ओनली हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। अगर आप ये PDF बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। मेरा WhatsApp नंबर है 8445799336। जिसको PDF बाय करनी है सिर्फ वही मैसेज करे, आलतू फालतू का कोई मैसेज मत करे, मैं आपको प्राइस बता दूंगा। और डिस्काउंट वगैरह का कोई भी प्रोसेसर नहीं है, डिस्काउंट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बाय कर चुके हैं। अब जो बच्चा उस प्राइस में बाय कर चुका है, तो मैं सीधी सी बात आपको भी उसी प्राइस पे दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको कम करके दूंगा तो उस बच्चे का लॉस है जो खरीद चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे खरीद चुके हैं, ठीक है। आप नहीं, अब बहुत सारे बच्चों ने खरीद लिया, इतने सारे दो तीन दिन में इतने सारे बच्चों ने खरीद लिया कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं PDF देता ही, मतलब बहुत टाइम लगता है PDF देते, पता है इतने सारे बच्चों के मैसेज आए हैं। तो अगर आप PDF बाय करना चाहते हैं तो मुझे WhatsApp मैसेज कर देना, और इतना ज़्यादा रेट भी नहीं है, ठीक है। ओनली कितना है, सेकेंड ईयर का कितना है, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ओनली 200 रुपये में सारी की सारी PDF में दे रहा हूँ, ठीक है, कुल 200 रुपये में, ठीक है। और अगर मतलब आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो तो आपको ओनली 175 में भी मिल रही है, और आपको ओनली कंपलसरी वाली चाहिए तो कंपलसरी वाली तो आपको सिर्फ 150 में मिल रही है सारी की सारी, ठीक है। तो ये रेट है, ज़्यादा भी नहीं है, वरना आप शॉप पे जाओगे 120 का एक मॉडल मिलेगा आपको, 120 का एक, ठीक है, आप देख लो आप। तो चलिए, अगर आपको चाहिए तो मुझे इस WhatsApp नंबर में मैसेज कर देना। बाकी चैनल पर बने रहो, अपना ध्यान रखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पता चले और बच्चों को कि टीचर सॉल्यूशन पे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और वही क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। 20 जून से एग्जाम है, अपनी तैयारी करके चलो, ठीक है। जो गैस पेपर करा रहा हूँ बस उसको करो, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। खुश रहना है, पढ़ते रहना है, अपना ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का, अपना खुद का भी। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।